अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश। नाउ रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। फर्स्ट चैप्टर इज डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये चैप्टर एक इमेजिन है, जस्ट इमेजिन किया गया है। इसमें रियल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं, ये रियल नहीं है। जस्ट इमेजिन करने के लिए, आपको कहानी सुनाने के लिए आपको बताया गया। अब यहाँ पर डोरोथी जो है ये एक लड़की है, इसका नाम डोरोथी है, और वो मिली है किससे? स्केयरक्रो से। स्केयरक्रो कहते हैं एक आदमनुमा पुतले को, इस तरीके का दिखता है। आदमनुमा पुतले को कहते हैं जो खेतों में लगाया जाता है, जानवरों को भगाने के लिए लगाया जाता है, कौए वगैरह, परिंदे वगैरह, ताकि वो हमारे खेतों को ख़त्म ना करें, खाएं ना, तो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि वो इससे डरें। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ते हैं। डोरोथी वॉकड अलॉन्ग द रोड। डोरोथी वॉक कर रही है रोड पर। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। वो किससे बना है? येलो ब्रिक्स से। वेन शी हैड गोन सम माइल्स, जब वो कुछ फासले पर चली, शी नीडेड टू रेस्ट, उसे ज़रूरत पड़ी कुछ आराम की। शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस। अब वो टॉप ऑफ द फेंस कहते हैं बाड़ को, बिसाइड द रोड, यानी वो चढ़ी फेंस, यानी इस बाड़ पे, बिसाइड द रोड, एंड सेट डाउन, और चढ़ के वो उसके ऊपर बैठ गई है। उसके बाद हर डॉग टोटो, उसका जो डॉग है उसका नाम टोटो है, वॉज ऑल्सो टायर्ड, वो भी थक गया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाई द फेंस। अब वो ग्राउंड पर लेट गया है या फेंस के इस तरफ, यानी बाढ़ के इस तरफ। देर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड, यहाँ बहुत बड़ा दरख्त है, ओ खेत है, सॉरी, कॉर्न फील्ड कहते हैं भुट्टे के दरख्त को, भुट्टे के खेतों को कहते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, बाढ़ के उस तरफ। एंड इन फील्ड देयर वॉज अ स्केयरक्रो। अब यहाँ फील्ड में जो है स्केयरक्रो, अब ये जब ऊपर चढ़ के बैठी है तो ये इसको देख रही है। और नेक्स्ट पेज, डोरोथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो। गेज का मतलब होता है एक चीज़ को आपने गौर से देख रहे हो, आपकी नज़र उसी पे टिकी हुई है, तो वो गेज्ड कहलाता है। उसके बाद यहाँ से ना इसका स्केच बता रहे हैं कि स्केयरक्रो एक्चुअली दिखता कैसा है। तो इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक, सेक कहते हैं बोरी को, स्टफ विद स्ट्रॉ। इट फेस वॉज पेंटेड ऑन द सेक। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड, ऑन इट्स बॉडी। इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ्स विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ विद स्ट्रॉ ऑन द फीट, वेयर सम ओल्ड बूट्स। अब जरा इसके स्केच को देखें, ये बता रहे हैं कि इसके सर पे ब्लू कलर की हैट है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, और इसका जो फेस है वो बोरी से बना हुआ है। ठीक है, इसके क्लोथ्स भी कुछ पुराने हो चुके हैं, इसके स्ट्रॉ से बना हुआ है ये पूरा, और इसके पैरों में भी पुराने से जूते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या बता रहे हैं, दी स्केयरक्रो वॉज टाइड, और वो बंधा हुआ है टॉल पोल खम्बे से। ये देखें, यहाँ ये खम्बा है, ये रहा, ये इस खम्बे से बंधा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फॉर ईटिंग द राइप कॉर्न, यानी ये इसलिए होता है ताकि परिंदे डरे और वो खाए ना, कॉर्न वगैरह ना खाए। उसके बाद वाइल डोरोथी वॉज लुकिंग एट द पेंटेड फेस ऑफ द स्केयरक्रो, जब डोरोथी देख रही थी उसका पेंटेड फेस स्केयरक्रो का, तो शी वॉज सरप्राइज, वो हैरान हुई, टू सी वन ऑफ द आई स्लोली विंक एट हर, मैंने उसने देखा कि उसकी तरफ एक आँख जो है उसकी झपकी है या मारी है उसने, कह सकते हैं। शी थॉट ही मस्ट बी, शी मस्ट हैव इमेजिनेट, उसने सोचा कि शायद वो उसका ख्याल है। देन द स्केयरक्रो नोडेड टू फ्रेंडली वे, यानी उसके बाद स्केयरक्रो ने अपना, नोडेड कहते हैं सर हिलाना, हामी भरना, सर हिलाना, उसने अपने सर को हिलाया टू हर इन फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे में। डोरोथी क्लाइम डाउन, वो नीचे उतर गई फ्रॉम द फेंस बार से, एंड वॉकड अप टू, और चलने लगी। टोटो रैन अराउंड द पोल, वो पोल की इस तरफ अराउंड स्केयर किट भाग रहा है, एंड बार्ट और चिल्ला रहा है। उसके बाद गुड डे सेट द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने कहा गुड डे, यानी अच्छा दिन। यू डिडेंट जस्ट स्पीक डिड यू, आस्क द गर्ल इन वंडर, लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम नहीं बोलते, तुम बोले? सर्टेनली आंसर द स्केयरक्रो, ना सर्टेनली, हाँ बोला, यानी हाउ डू यू डू, कैसे, तुम कैसी हो? आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, रिप्लाई डोरोथी पोलाइटली, डोरोथी ने आराम से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। हाउ डू यू डू, उसने स्केयरक्रो से पूछा, आई एम बोर्ड, कह रहा है मैं बोर हूँ। सेट द स्केयरक्रो ने कहा, इट इज़ वेरी डल बींग स्टक अप हेयर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज, कह रहे ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक ही जगह खड़ा रहे बंदा पूरी रात और दिन
कौ क्रोस कहते हैं कौओं को भगाने के लिए. कैन यू गेट डाउन, आज दौड़ती लड़की से पूछी क्या तुम नीचे आ सकते हो. नो दिस बॉल इज स्टक माई बैक, प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन. कह रहा है कि मेरी पोल का अभी हमें बताया खम्बा, तो कह रहा है मैं खम्बे से बंधा हुआ हूँ, मेरी बैक जो है प्लीज़ हेल्प मी टू गेट डाउन, प्लीज़ मेरी मदद करो नीचे उतरने में. दौड़ती रीच अप टू बोथ आर्म्स, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और उसके बाद उसने नीचे उतार दिया उसे. ही वॉज क्वाइट लाइट, वो बहुत हल्का है, बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ विद स्ट्रॉ, क्योंकि वो स्ट्रॉस का बना हुआ है पूरा. शी सेट हिम ऑन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पे उसको सेट किया. उसके बाद उसने कहा थैंक यू वेरी मच, सेट द स्केयरक्रो ने कहा. आई फील मच बेटर, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. दौड़ती वॉज सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक, वो बहुत सरप्राइज थी कि एक स्ट्रॉ मैन जो है वो बोल रहा है. द स्केयरक्रो स्ट्रेच एंड यॉन, स्ट्रेच का मतलब कहते हैं कि हम अंगड़ाई लेना, या जैसे सोकर बंदा उठता है ना थकान से ऐसे रहता है इस तरीके से. एंड यॉन यानी घूरना. हु आर यू, अब वो पूछ रहे उससे कि आप कौन हो. आज द स्केयरक्रो, वो पूछ रहा है स्केयरक्रो. एंड वेयर आर यू गोइंग, और आप कहाँ जा रही हैं. अब यहाँ तक आज हमने चैप्टर रीड किया है. अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, अल्लाह हाफिज़.